नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज से ठीक 5.5 साल पहले मुझे भी डायबिटीज़ था। 5.5 साल पहले मैंने अपने डायबिटीज़ रिवर्स करी है और अभी हम लोगों को कोचिंग देते हैं और कोचिंग से लोगों को सिखाते हैं कि कैसे वो अपने डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने हमारे से ये सवाल किया है कि सर, राइस खा सकते हैं क्या? डायबिटीज़ में क्या राइस खा सकते हैं? क्या राइस खा के डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं? क्या आप राइस खा के एक वीडियो बना के दिखाएंगे कि आपकी शुगर लेवल कितना बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? तो आपके फरमाइश पे एक और फूड रिव्यू वीडियो हम लेके आए हैं और आज मैं आप लोग को वाइट राइस खा के दिखाऊँगा। और काफ़ी चीज़ लिया है मैंने व्हाइट राइस के साथ, कैसे व्हाइट राइस खाना है वो सारे चीज़ आपको खाते खाते बताऊंगा कि डायबिटीज़ रिवर्सल के दौरान भी आप व्हाइट राइस खा सकते हैं और व्हाइट राइस खा के भी आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना प्लेट दिखा देता हूँ, कैसे मैंने प्लेट सजाया है। तो आप देखिए, ये मैंने व्हाइट राइस लिया है, इसको मैंने मेजर करके लिया है, 150 ग्राम व्हाइट राइस लिया है मैंने, 150 ग्राम व्हाइट राइस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कटोरा, ये जो है सोयाबीन की सब्जी है, इसमें सोयाबीन की सब्जी, सोया चंक्स जो है उसकी सब्जी बना है। इसका टोटल वेट जो है आफ्टर कुकिंग ये 100 ग्राम है। मैंने बासा फिश लिया है, ठीक है, बासा फिश जिसमें कोई काटा नहीं होता है, कोई भी खा सकता है। ये आफ्टर कुकिंग इसका जो वेट है ये 150 ग्राम के आसपास है, तो आप समझ लीजिए 200 ग्राम मच्छी तो इसमें होगा ज़रूर। और एक कटोरा सब्जी मैंने लिया है, पनीर और ब्रोकोली है इसमें, ये देख लीजिए पनीर और ब्रोकोली, ये 60 ग्राम के आसपास है जिसमें 20-30 ग्राम के आसपास पनीर होगा। मैंने 100 ग्राम दही लिया है, ठीक है, ये दही है, 100 ग्राम दही है इसमें। और एक प्लेट मैंने खीरा लिया है, एक प्लेट खीरा जो मेरे ख्याल से 150 ग्राम के आसपास, 100 से लेके 150 ग्राम के आसपास खीरा होगा। तो ये है मेरा आज का खाना और ये मेरा सेकेंड मील है। मैं पहला मील ऑलरेडी कर चुका हूँ और राइस को आपको इसी तरह से खाना है। जब आप इस तरह से राइस को खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राइस जो आपका 100 ग्राम राइस है उसमें आपको 27-28 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। कुक राइस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने 150 ग्राम कुक्ड राइस लिया है, तो इसमें मुझे लगता है कि कम से कम 35-40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ज़रूर मिलेगा। जो बासा फिश है, ये 100 ग्राम बासा फिश में आपको 25-26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, तो इसमें भी 30-40 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा, ये प्रोटीन का सोर्स हो गया। जो ये सब्जी आप देख रहे हैं, ये सब्जी जो है ये इसमें फाइबर मिल जाएंगे और पनीर में आपको फैट मिल जाएगा। और जो सोयाबीन देख रहे हैं, सोयाबीन में भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। और ये आप जो प्लेट देख रहे हैं ये है खीरा, इसमें आपको फाइबर मिलेगा। और दही लिया है मैंने। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि मच्छी और दही साथ में खा सकते हैं कि नहीं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मच्छी और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं। और मैं आज आपको खा के दिखाऊंगा, आपके सामने खाऊंगा, दही भी खाऊंगा, ये दही है और ये मच्छी है, दोनों चीज़ साथ में खाएंगे, ठीक है। तो आइए आप और हम एंजॉय करते हैं राइस, और आप लोग भी ऐसे खा सकते हैं। आपके सामने खाऊंगा, कैसे खाना है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो राइस है ना, इसके साथ मच्छी खाने में बड़ा मज़ा आएगा। और ये तरी वाला है, ये देखिए ये तरी है, आ हा हा, और इसमें बहुत तेल है, तो तेल से घबराना नहीं है। जब तक तेल नहीं डालेंगे तो खाने का स्वाद नहीं आता है, लेकिन कौन सा तेल यूज़ करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। रिफाइंड ऑयल हम यूज़ नहीं करते हैं, रिफाइंड ऑयल में आप देखिए कैसे कलर हो गया, लाल हो गया बिल्कुल, ये तेल का कलर है। ये जो तेल है ये सरसों का तेल है, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इस मच्छी में काटा नहीं है, और मच्छी और चावल खाने में तो मज़ा ही आ जाता है, अमेजिंग टेस्ट। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि तेल खाना छोड़ दीजिए, तेल क्यों छोड़े, हेल्दी फैट है, कौन से तेल यूज़ करना है वो जानना ज़रूरी है। आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मच्छी है, बासा फिश है, तो ये मैंने बासा फिश खाया और साथ में दही भी खाऊंगा। वाह, अमेजिंग। अब बहुत लोग कहते हैं कि दही और मच्छी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शरीर में पूरा सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाएगा, तो आपसे
मैं मिलता रहूँगा और आप देखना कि मेरे शरीर में सफ़ेद दाग होता है कि नहीं। और ये मैं पहली बार नहीं खा रहा हूँ, ऐसे मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ, ठीक है? तो पहली बार नहीं खा रहा हूँ ऐसे। ये प्लेट सजाने का मकसद ये है कि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर सब मिला के खाना है। जो चावल आप लोग खाते हैं, एक तो चावल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खाते हैं आप लोग। 300, 400, 500 ग्राम चावल खा लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, आपकी शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैंने सिर्फ 150 ग्राम चावल लिया है, ठीक है? और चावल में प्रोटीन, फाइबर थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हमने फिश लिया, ठीक है? सब्जी लिया, सब्जी से फाइबर हो जाएगा जो कमी है इसमें, और जो फिश लिया है और सोयाबीन लिया है उससे प्रोटीन जो कमी है वो पूरा हो जाएगा, और जो सब्जी हमने बनाया उसमें तेल डाला है उससे मुझे फैट मिल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है भाई, मज़ा आ गया। और आप लोग देख रहे हैं, आज मैंने 2 प्लेट लिया है, एक सलाद का भी प्लेट है, क्योंकि एक प्लेट में जगह नहीं है, एक दूसरा प्लेट है। लेकिन मैं सलाद को पहला नहीं खा रहा हूँ, मैं सलाद को अपने खाने के साथ खा रहा हूँ। ये तरीका होता है खाना खाने का, ना कि पहले सलाद खा ले फिर दूसरा चीज़ खा ले, दूसरा चीज़ फिर आप खा ही नहीं पाएंगे। मैंने आज बासा फिश इसलिए लिया क्योंकि इसमें काटा नहीं होता है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो मुझे दिखाना था आप लोगों को, नहीं तो काटा खाने में बहुत टाइम लग जाता है, समय लगता है। आप कोई भी फिश खा सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि सर हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, तो आप पनीर ले लो, सोया है ही है, इसको हटा दो, लेकिन सोया में आपको कार्ब भी मिलता है, ये ध्यान रखना। तो आपको पनीर का मात्रा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैंने पूरी चावल तो मच्छी से खा लिया, बाकी इसको मैं वैसे खाऊंगा, तो आप वैसे भी खा सकते हैं। दही और मच्छी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग मेहनत करते नहीं हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, कोई काम काज करते नहीं है, जिसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म एकदम ठप हो गया है। तो काम काज शुरू करिए, मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए, तो आप रीमा भी मत आओ, एक्सरसाइज करिए तो आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो ये चावल तो हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है? आप दही को भी फिनिश कर लेते हैं, दही भी साफ हो गया, ये भी साफ हो गया। अब खीरा को भी खा लेते हैं, सब्जी भी खाते हैं, अब जितना मैं खा रहा हूँ आपको उतना खाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को अपने हिसाब से खाना चाहिए, अपने भूख के हिसाब से खाना चाहिए। तो मेरा डाइट कॉपी मत करिए, ये मैं अपने कैलकुलेशन से खा रहा हूँ, आपको भी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से खाना पड़ेगा। तो कॉपी मत करिए किसी का, मैं बस आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि चावल को कैसे खाना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर सब मिला के कैसे खाना, ये सिखा रहा हूँ आप लोगों को। और डायफिट डाइट को फॉलो करना है। डायफिट डाइट क्या है, इसमें आपको 26% कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लेना है, 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। ये है डायफिट डाइट। तो ये भी जो प्लेट बनाया मैंने,
ये डायफिट डाइट के आधार पे है, और मैं जो आपको 26, 1.5 से लेके 2 और बाकी रिमेनिंग कैलोरीज हेल्दी फैट्स है वो पूरे दिन की बताता हूँ। आपकी इस प्लेट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, आपको अपने भूख के हिसाब से खाना है, ठीक है। अब जितना मैंने खाया, बहुत लोग इतना नहीं खा सकते, और बहुत लोग ऐसा भी हो सकता है कि इतना में इनका पेट ना भरे, उनको ज़्यादा चाहिए होगा, तो आपको अपने हिसाब से खाना है। मैंने बस आपको ये सिखाया है कि जब भी चावल खाएंगे, वाइट राइस खाएंगे, तो आपको प्रोटीन का कोई सोर्स लेना पड़ेगा, फैट का कोई सोर्स लेना पड़ेगा, और फाइबर का सोर्स लेना पड़ेगा। जब आप ऐसे लेंगे तो इसकी ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम हो जाता है। ऐसे खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगा, आपके बॉडी में शुगर जो रिलीज होता है वो धीरे धीरे होगा। ये भी ख़त्म, अब इसकी बारी। और इसको खाने के बाद मैं 3 से 4 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, और मुझे ज़रूरत भी नहीं होगी, भूख भी नहीं होगा। बीच में आपको प्यास लगे तो पानी पी लीजिएगा ज़रूर। पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है खाना खाते समय। इस चैनल में आपको हर चीज़ की जो रोक टोक है वो समाप्त कर देंगे, जितना भी मिथ है वो सब खत्म कर देंगे। बहुत हो गया ये मत खाओ वो मत खाओ, आपको चावल खाने से मना करते हैं, आपको मिलेट्स खिला रहे हैं, आपको दलिया खिला रहे हैं, पोहा खिला रहे हैं, और आप लोग भी वैसे ही खा रहे हो। गधे मत बनो, न्यूट्रिशन की नॉलेज बढ़ाओ, न्यूट्रिशन समझो। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन फैट और फाइबर कम होता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसके साथ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप प्रोटीन के सोर्स दूसरे चीज़ से डाल दोगे तो चावल भी खा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। मज़ा आ गया भाई, डायफिट में जो भी ज्वाइन करता है, जो भी कोचिंग लेता है, उनका थाली हम ऐसे ही सजा के देते हैं, उनको हम ऐसे ही खाना खिलाते हैं, और ऐसे ही खाना खिला के डायबिटीज़ रिवर्स कराते हैं। और इसीलिए हर कोई डायफिट में ही जुड़ना चाहते हैं, डायफिट डाइट को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ खा के भी आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिफाई करके खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि चावल आप 1 किलो चावल खा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 किलो चावल खाएंगे आज आपकी शुगर हो सकता है ना बढ़े, लेकिन कल को शुगर बढ़ेगी आपकी। और ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग को पूरा दिखाना ज़रूरी है कि कैसे खाते हैं चावल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाना ज़रूरी है, कैसे मिला के खाना है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, कैसे मिलाना है। चावल लोग छोड़ रहे हैं, ऐसे लगता है लोगों को चावल की वजह से डायबिटीज़ होता है, नहीं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको डायबिटीज़ होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये भी ख़त्म, और ये भी ख़त्म। तो ये मेरे नीड के हिसाब से, मेरे भूख के हिसाब से मुझे पता है कि मैं इतना खा सकता हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाइए। मैंने बस आज आप लोग को ये सिखाया कि चावल को कैसे खा सकते हैं, कैसे खाना है, कैसे मिला के प्रोटीन कार्ब फाइबर सब के साथ मिला के कैसे आप भी चावल खा सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो। तो दोस्तों, मेरा फर्स्ट मील हो गया है, और आपने देखा कि मैंने क्या क्या खाया। अभी एक बार आपको टाइम दिखा देते हैं, अभी जो टाइम हो रहा है 2:08, ठीक है, 2:08 हो गया है।
तो मैं एग्जैक्टली 2 घंटे बाद आप लोग से मिलूंगा, यानी कि लगभग 4 बजे के आसपास मैं अपना शुगर लेवल चेक करूंगा और देखूंगा कि मेरा शुगर लेवल कितना आता है 150 ग्राम चावल और ये सारे चीज़ मच्छी और दही सोयाबीन सब्जी खा के मेरा शुगर लेवल 2 घंटे बाद कितना आता है। 2 hours later तो दोस्तों एग्जैक्टली 2 घंटा हो चुका है मुझे चावल खाए हुए। सबसे पहले एक बार टाइम दिखा देते हैं आपको। अभी जो टाइम हो रहा है 4:06, ठीक है 4:06 हो गया है, एग्जैक्टली 2 घंटा हो चुका है। तो अभी मैं अपनी ब्लड शुगर चेक करूंगा। ये मेरा पीपी ब्लड शुगर है, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथिक, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्ट्रिप लगाते हैं, जो भी रीडिंग आएगा बिना किसी दवाई के, और देखेंगे कि चावल खाने के बाद मेरा शुगर लेवल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ये हमारा ग्लूकोमीटर बिल्कुल तैयार हो गया है, फटाफट से एक प्रिक करते हैं। खून आ चुका है, ये खून हमने लगा दिया और ये काउंटडाउन शुरू। तो अब देखिए 130 आया है चावल खाने के बाद, 130 चावल खाने के बाद कितना शुगर आया, 130। मेरी शुगर लेवल नहीं बढ़ी, 140 के नीचे है, रेंज में है। चावल खाने के बाद भी मेरी शुगर लेवल नहीं बढ़ा है, ये देख लीजिए अच्छी तरह से देख लीजिए 130, ठीक है ये अच्छी तरह से देख लीजिए 130। आपके सामने मैंने चावल खाया। अभी क्या है, अभी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग आ जाएंगे, कहेंगे सर आपकी तो शुगर लेवल इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि आपको डायबिटीज़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मुझे फ़िलहाल डायबिटीज़ नहीं है, मैंने 5.5 साल पहले ही अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर लिया है और आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे। तो डायफिट डाइट क्या है, डायफिट डाइट कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने 5.5 साल की एक्सपीरियंस से अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करके डेवलप किया है। इसमें आपको 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है अपनी कैलोरीज, 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। और अगर आप इस तरह से खाएंगे, अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो आप चावल भी खा सकते हैं और चावल खा के भी आपकी शुगर लेवल जो है नहीं बढ़ेगा। और ये मेरा नहीं बढ़ा है, आपका भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैंने 150 ग्राम चावल खाया है, आपके लिए हो सकता है कि 100 ग्राम चावल रिकमेंड करना पड़े, 50 ग्राम रिकमेंड करना पड़े, लेकिन आप चावल भी खा सकते हैं और चावल खा के भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। यही चीज़ हम डायफिट में सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और ये कमेंट करेंगे कि सर आपको तो बढ़ता नहीं है क्योंकि आपकी डायबिटीज़ नहीं है। अरे आप भी डायबिटीज़ रिवर्स करो ना, कौन मना कर रहा है, इसीलिए तो ये सारे वीडियोस बना रहे हैं। और अगर आप खुद से अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पा रहे तो आप हमारा कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर पे फ़ोन करके हमारा कोचिंग प्रोग्राम के बारे में भी जान सकते हैं। और हमने हज़ारों लोगों के डायबिटीज़ रिवर्स कर रखी है, हमने हज़ारों लोगों के डायबिटीज़ रिवर्स कर रखी है और आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन समय रहते अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर आपके डायबिटीज़ रिवर्सल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो समय रहते एक्शन ज़रूर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि डायबिटीज़ में भी चावल खा सकते हैं, लेकिन चावल को कैसे खाना है यही चीज़ लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है चावल कैसे खाना है। आज मैंने आपको सिखा दिया है कि चावल कैसे खा सकते हैं और खा के भी आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर आप इडली डोसा खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, तो राइस भी आप खा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितना राइस खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, किसके साथ खाना है, तो आप राइस भी खा सकते हैं। डायफिट डाइट को फॉलो करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि डायबिटीज़ में चावल भी खा सकते हैं और चावल खा के भी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसे चावल खाएंगे तो आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका शुगर लेवल कितना आया कितना नहीं आया, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी आके कमेंट करेंगे सर आपने तो पहले का
शुगर लेवल दिखाए नहीं। भाई पहले का शुगर लेवल क्यों दिखाना है, पहले का शुगर रीडिंग इस एक्सपेरिमेंट में ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि चावल खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। पहले कितना शुगर था उससे कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो का पर्पज़ भी नहीं था। तो बहुत सारे लोग आके सिर्फ कमेंट्स करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। और आज के डेट में हर कोई जो है बाबा जी बना हुआ है, गुरु जी बना हुआ है, हर कोई डायबिटीज़ के गुरु जी बने हुए हैं, डायबिटीज़ के बाबा जी बने हुए हैं। और सबसे खास बात क्या है कि लोग मुझे आके टिप्स देते हैं कि सर आप ऐसे करिए, सर आप ऐसे करिए, सर आपको ये पता नहीं है, सर आपको वो पता नहीं है। अरे भाई, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप अपना चैनल खोल के क्यों नहीं बताते, लोगों को एडुकेट करो। मैंने तो अपनी 5.5 साल पहले डायबिटीज़ रिवर्स कर ली है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो हमने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ली है, लोगों का डायबिटीज़ रिवर्स करा रहे और तब जाके आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे। तो सबसे पहले आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करो, हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ पहले रिवर्स करके आओ और फिर आके ज्ञान दो। आप लोग जो है किसको ज्ञान दे रहे हो आपको समझ में नहीं आता है। आप जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल का मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, ठीक है? जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल का मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, समझ लो इस बात को। तो इसलिए ज्ञान झाड़ने से पहले पहले मेरे बारे में जान लो, कौन हूँ मैं, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, उसके बाद ही आप अपना ज्ञान झाड़ना, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, यहाँ तक देख लिया लाइक नहीं किया, आपके लाइक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। अगर चैनल में पहली बार आया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।